सारी बातें चल रही थी अमिताभ के साथ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट गुड वर्क एंड यू नो वी फील गुड अबाउट डूइंग गुड वर्क एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मदर टेरेसा एंड ऑल दैट एंड व्हाट केम अप वाज दैट वी हैव दिस इमेंस अपॉर्चुनिटी बिजनेस में, जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, शेयर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होती है टू सी द ट्रेंड्स, वी मेक मूवीज, हम भी बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये स्टार चल रहा है इसके साथ फिल्म बना लो, ये गाने चल रहे हैं, ये हिट है, ये फ्लॉप है, सो एट द सेम टाइम वी हैव दिस कंट्री, वी आर सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस दैट वी हैव सो मेनी सोशल अपॉर्चुनिटीज. मतलब आप कोई नौकरी ढूंढने जाओ तो बहुत उसमें टाइम लगता है और बहुत मुश्किल होता है कि ये जॉब मिलेगी कि नहीं. आप अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा ढूंढने जाए तो और भी टाइम लगता है कि यार क्या होगा, पता नहीं इसको अच्छा लड़का मिलेगा, इसकी लाइफ कैसे कटेगी, कैसा घर मिलेगा, कैसी सास, कैसा हस्बैंड, ऑल दैट. सो इट्स ऑल अ प्रॉब्लम एंड व्हेन यू गेट इनटू अ बिजनेस, लिटिल लोन फ्रॉम हियर, थोड़े रिश्तेदारों से, थोड़ा ये, थोड़ा बैंक से, थोड़ा अपना, थोड़ा माँ बाप से, एंड देन यू आर थिंकिंग ओके आई एम एंटरप्रेन्योर and so on and so forth. And things started happening, so I'm a filmmaker, I'm a writer, so I said, kuch, why not do something with this subject? You know, it comes naturally to me to pick up a camera, even start shooting on my mobile, do anything. That's my hobby, that's my passion, that's my life, I love doing that. So I went to this एक स्लम कॉलोनी है पवई के पीछे, आर एन एल के पीछे, वो एक पहाड़ सा है, उसमें मतलब लगता है वो पहाड़ हुआ करता था कभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी है. एंड देयर स्लम्स एंड स्लम्स एंड स्लम्स एंड आई बीफ्रेंडेड अ फ्यू फ्रेंड्स और दे मेड सम चिल्ड्रन सम फ्रेंड्स एंड ऐसे जो दिखाओ क्या हो रहा है. तो मनोज जो कि जलंधर और सिकंदर मिले मेरे को और उनसे बातें चल रही थी, तो मैंने कहा यार टॉयलेट कहाँ जाते हो, तो बात चल रही थी तो टॉयलेट बना नहीं सकते बिकॉज इट्स अनऑथराइज, सो इवन इफ एमसीडी वांट्स टू मेक इट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे आर नॉट अलाउड टू बिकॉज यू कांट मेक इट टॉयलेट अनऑथराइज. सो के पास टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट का इंश्योरेंस कितना है, अभी बच्चे बात कर सकते हैं, मैं बड़ों से भी बात करूं, टॉयलेट का इंश्योरेंस कितना है अगर हमको जानना है तो एक दिन हम रोक के देखिए. या तो हम लंबी मुसाफरी में निकलते हैं और जो हमको यार कब आएगा ड्राइवर, यहाँ नहीं कर सकते, खासकर विदेश में आप कोई रास्ते पर भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे फर्स उसे उनको समझ में आता है और उसमें अगर हमको कहीं पर भी खड़ा करते हैं तो नहीं आज यहाँ नहीं कर सकते, यू नो. सो टॉयलेट का इंपोर्टेंस बहुत होता है, काफी सारी बातें हमने सुनी तो मैं बहुत संक्षिप्त में उसको खत्म करता हूं. सो ये सेवा जो होती है, हमने से कुछ काफी अलग अलग तरीके से आज मिले हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव है हमारे, तो कोई भी सेवा का एक बेसिक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, तन मन और धन से करो. जिसके पास तन से, युवा में जो वॉलंटियर्स है वो तन और मन से जिस तरह काम करते हैं, देखिए ना हम सब बंबई से हैं, हम में से किसी ने कभी आज तक सोच के बंबई की किसी स्कूल में कदम नहीं उठाया, ये पूरी टीम अहमदाबाद से मुंबई की, मुंबई की म्युनिसिपल स्कूल में सेवा करना चाहती है, तो ये हुई तन और मन से बात. तो लेट्स मुंबई में यहाँ जो भी लोग हैं जितना भी कर सकते हैं धन से, लेट्स सपोर्ट देम इन सच अ वे कि यहाँ मुंबई में कोई भी स्कूल ऐसी ना हो ना रहे जहां पर एक क्लीन ऐसा टॉयलेट ना हो, बाथरूम ना हो, पानी पीने की जगह ना हो, जिसकी वजह से या तो बच्चा खासकर लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट हो जाए या तो बच्चा दिन में ऐसा पानी पिए जो घर जाके महीने तक बीमार रहे. Let's all pledge together that we will definitely come forward and support this objective. And हम सब उम्र से, दिल से और हमारे कार्य से बहुत ही युवा रहेंगे. Thank you very much. मेरी गुजारिश तो सिर्फ अपने आप से ही रहती है कि expectations जो हैं वो खुद से होनी चाहिए, ना कि किसी और से, कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए, समाज क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए भी और सबके लिए भी, वो सबसे बड़ी बात है.